त्योहारी सीजन से पहले कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार ने टेंशन बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में तो स्थिति विस्फोटक है और राज्य सरकार ने 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाने का भी ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू में क्या बदलेगा, किन चीजों पर पाबंदी रहेगी, सब कुछ जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से बेकाबू होता दिख रहा है। महाराष्ट्र में तो हालात जैसे बेकाबू हो गए हैं। त्योहार का मौसम है और लोग होली, ईस्टर और ईद जैसे त्योहारों की तैयारियों में जुटे हैं। असली चिंता यही है कि अगर इस त्योहारी सीजन में लोगों ने जरूरी एहतियात नहीं बरते, लापरवाह रवैये को दूर नहीं किया तो स्थिति और भी ज्यादा विस्फोटक हो सकती है। केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि त्योहारों के दौरान भीड़ को नियंत्रित किया जाए। छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ में केंद्र के दो उच्च स्तरीय दल पहुंच रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। दरअसल सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। रविवार रात यानी कि 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान महाराष्ट्र में मॉल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम लॉकडाउन लागू नहीं करना चाहते, लेकिन कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऐसा लगता है कि वर्तमान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो सकता है, इसीलिए सभी जिलों को हेल्थ सुविधाओं आदि की गहनता से पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पतालों में आग से सुरक्षा की जांच होनी चाहिए, दवा की आपूर्ति, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर ध्यान दिया जाना चाहिए, टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ाने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान महाराष्ट्र में मॉल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। मॉल, मार्केट, सिनेमा हॉल को भी 50% क्षमता के साथ ही काम करना होगा। किसी भी शादी समारोह में 50 लोगों से ज्यादा लोग नहीं आ सकते हैं। अंतिम संस्कार में भी सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी जाएगी। अस्पतालों में एक बार फिर से कोरोना मरीजों के लिए बेड रिजर्व किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों से भी 50% बेड रिजर्व करने को कहा है। राज्य के लोगों को होली पर ध्यान रखना होगा कि कहीं भी कोई भीड़भाड़ ना लगाए। मुंबई में अब किसी भी मॉल में एंट्री के लिए एंटीजन टेस्ट कराना जरूरी होगा। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर कोरोना के आंकड़े बढ़ते हैं तो सख्त लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। हालांकि इस पर अगले शुक्रवार को फैसला लिया जाएगा। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में अब सख्त कदम उठाना अनिवार्य हो गया है। जिले के डीएम स्थिति के आधार पर लॉकडाउन भी लगा सकते हैं। उधर त्योहारों के सीजन से पहले गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को खत लिखकर कोरोना से सतर्क रहने के लिए कहा है। मंत्रालय ने कहा कि आने वाले त्योहारों होली, शब बारात, बैसाखी, ईद उल फितर को देखते हुए सभी राज्य भीड़ पर सख्ती रखे। राज्य इस बात का ख्याल रखे कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का ठीक तरीके से ख्याल रख रहे हैं या नहीं। लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन कर रहे हैं या नहीं। गौरतलब है कि देश में इस वक्त जितने भी केस आ रहे हैं उनमें से 60% से ज्यादा केस महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं, जिसके चलते महाराष्ट्र में अभी से ही करीब आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियों को लगाया गया है। हालांकि अब पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।